मगरी बंगाल के माध्यमिक इम्तहान 2019 के इस सजेशन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हिस्ट्री के हवाले से मेरा ये दूसरा वीडियो है जो सजेशन के तौर पर मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। इससे कबल का वीडियो मैं फेसबुक और यूट्यूब पर जारी कर चुका हूँ, जिसमें 8 नंबर के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने शाये कर दिए हैं। आज का जो वीडियो है वो 4 नंबर के हवाले से है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। इसकी नज़रसानी बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर से ज़रूर आप मेमोराइज़ करके जाएं। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं सवालों में से माध्यमिक इम्तहान में हिस्ट्री के सवालात 4 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। आइए मुलाहिज़ा फरमाएं वो कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 4 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। याद रखिए कि ये महज एक सजेशन है जो जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे, मगर अच्छे नंबरात हासिल करने के लिए निसाबी किताबों का मुताला बहुत ज़रूरी है और इससे जो जुड़े हुए सवालात हैं उनके भी जवाबात आपको याद करने हैं। ये तो महज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो माध्यमिक इम्तहान में पूछने के कवई इम्कान है। आइए हम लोग 4 नंबर के लिए देखें कि वो कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं हिस्ट्री के लिए। 4 नंबर के वो सवालात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 1 से सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह का है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एज द सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तारीख के मुताला में सरकारी दस्तावेजात की अहमियत लिखो, यानी सरकारी जो दस्तावेजात हैं वो किस तरह से तारीख के मुताला में एक ज़राए के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। सवाल नंबर 2 में है, स्टेट द रोल ऑफ ऑटोबायोग्राफी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, यानी जदीद तारीख को मुरतब करने में खुदनोश्त सवाने उमरियों के खिदमात बयान करो। सवाल नंबर 3 में है, व्हाट डिड बिपिन चंद्र पाल राइट इन हिज ऑटोबायोग्राफी सतुर बास्तुर, यानी बिपिन चंद्र पाल ने अपनी खुद नोश्त सवाने उमरी सतुर बास्तुर में क्या लिखा है। फिर से सुन लीजिए, बिपिन चंद्र पाल ने अपनी खुद नोश्त सवाने उमरी सतुर बास्तुर में क्या लिखा है। सवाल नंबर 4 है, राइट अबाउट हिस्ट्री ऑफ क्लोथ्स एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स, लिबास और खेल कूद की तारीख बयान करना है। 5वां सवाल है, डिस्कस द यूज एंड डिसयूज ऑफ इंटरनेट इन नोइंग द हिस्ट्री, तारीखी मालूमात में इंटरनेट के सही और गलत इस्तेमाल क्या है बयान करो। और 6 नंबर सवाल है वो नोट के तौर पर है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी आते हैं हिस्ट्री में लिखने के लिए, तो जो इंपॉर्टेंट नोट्स है जो लिखना है आपको वो कुछ इस तरह से है, जदीद समाजी तारीख, बंगा दर्शन, जीवनेर झाड़पाता और तारीख निस्वा, यानी वुमेन्स हिस्ट्री औरतों की तारीख। ये चैप्टर नंबर 1 से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, राइट ए नोट ऑन, पहला सवाल है राइट ए नोट ऑन वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच पर नोट लिखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 2 में है, स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन स्प्रीड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, औरतों की तालीम से मुतल्लिक राजा राम मोहन रॉय के खिदमात बयान कीजिए। और एक सवाल इससे आप जोड़ सकते हैं कि मगरबी तालीम के इशात में राजा राम मोहन रॉय के खिदमात बयान कीजिए। सवाल नंबर 3 में है, स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डेविड हेयर इन स्प्रीड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, यानी मगरबी तालीम के इशात में डेविड हेयर के खिदमात बयान करना है। और सवाल नंबर 4 में है, राइट ए नोट ऑन यंग बंगाल और डिरेजियो, ये सवाल मैंने 8 नंबर के लिए भी दिया हुआ है, वहाँ भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें बहुत तफसीली जवाबात आपको लिखने होते हैं। और यहाँ इख्तसार करके आपको 4 नंबर में यंग बंगाल और डिरेजियो के बारे में लिखना है। और 5वां सवाल है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, यानी मगरबी तालीम के क्या असरात हैं बयान कीजिए। और 6 नंबर सवाल है,
स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ विद्यासागर फॉर वुमेन्स एजुकेशन, यानी तालीम निस्वा के लिए विद्यासागर की खिदमात को बयान करना है, यानी औरतों की तालीम से मुतालिक विद्यासागर ने जो खिदमात अंजाम दिए हैं वो बयान करना है। ये कुछ चार नंबर के लिए सवालात हैं, इसे पहले आप तैयार कीजिए, इसके बाद चार नंबर के लिए कुछ और सवालात हैं जो मैं दूसरे वीडियो में जारी करूंगा, और उसके बाद दो नंबर और एक नंबर के लिए भी हिस्ट्री के सवाल तैयार हैं, तो पहले आप इसकी तैयारी कीजिए, और दिगर मजामीन के लिए भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, और आप जो है मेरे इस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।